पीछे क्या तथ्य है नंदिता जी? कि ग्रहण के समय ना वो एक बेसिक साइंटिफिक तथ्य है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे एस्ट्रोलॉजर होके केवल साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आजकल जनमानस काफ़ी जागरूक हो गए और उनको भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है हर चीज़ का, कि स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं तो क्यों हैं, किस लिए हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके लिए अगर आप रोज़ गए मंदिर के पास गए दर्शन करने गए, एक मन की प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति जाना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। अगर आप किसी को बोलो आपको कमरे के अंदर ही रहना है तो वो छटपटाएगा कमरे से बाहर जाए, है ना, तो वो उस तरह की प्रवृत्ति होती है, तो बहाने बनाएगा कि अच्छा चलो मंदिर ही दर्शन करके आते हैं हम। तो वो जो मंदिर में दर्शन करना उतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने घर से मंदिर तक का जब आप बाहर जाएंगे तो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के आप शिकार होंगे अननेसेसरी का, और चंद्र ग्रहण के वक्त में जाएंगे तो मानसिक उथल पुथल रहेगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, इमोशनल लड़ाई झगड़े के चांसेस हो जाते हैं, भावनाओं में बह के बहुत ज़्यादा उग्र भी आप हो सकते हैं। और वैसे भी अभी इस समय ये भरणी नक्षत्र में है, मंगल की राशि में है, शुक्र का नक्षत्र है, महिलाओं के लिए विशेषकर ये समय थोड़ा सा नाजुक है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खान पान से संबंधित चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये तो खैर मैं अलग ट्रैक में चलेगी, लेकिन मेन जो आपने प्रश्न पूछा वो प्रश्न ये है कि क्यों जाना चाहिए, तो इसीलिए नहीं जाने को बोलते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो। ये समय जो होता है इस समय स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग एनर्जीज होती हैं, ग्रॉस एनर्जी होती है राहु केतु की, लोअर चक्रास में होती है, तो यहाँ से एक्टिवेशन करके ऊपर हायर चक्रास की तरफ जाने के लिए ये समय सबसे ज्यादा ताकतवर समय होता है, सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय एकाग्रचित होकर के मानसिक जप आप करते हैं, किसी भी ईश्वर पे आप बिलीव करके जप करते हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी तंद्राएं आपकी एनर्जीज ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेंगी और बहुत बहुत सुखद अनुभव भी होने लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।